गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नेट थोड़ी स्लो थी लेकिन काम तो करना होता है मनुष्य को, और काम करने के लिए हम आ गए हैं। आए हुए लोग बहुत इंतजार कर रहे थे, बबलू रॉय, पंकज आट, ललित पाल, असमत जहां, संतोष कुमार यादव, संध्या भारती, नितिन राज, ललित पाल, किरण कुमारी, संतोष कुमार, लालो शाह, मोटिवेशनल DSMS सुपर मोटिवेशनल है ना, पंकज, रवि रंजन, फिर बहुत सारे लोग, धीरज कुमार, ओम प्रकाश, SWE सोनू, धीरज कुमार, उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जिसके नाम बीच बीच में लेते रहेंगे, राम सुंदर कुमार, गौतम कुमार, पुरुषोत्तम यादव, अंकित, ये शुभम, सभी लोग को आज दोपहर बाद की सुभाशिष आशीर्वाद के साथ हम लोग खुल रहे हैं। मंथली टेस्ट एक आधार पर लिया गया है जिसमें हम लोग बराबर जो है छोटे छोटे एपिसोड में लेसन्स में 25 से 30 क्वेश्चंस की ओर बताते हैं। कभी कभी आपको कहते हैं 20 का भी, क्योंकि बनाने 25 हैं 30 में से, ये मंथली टेस्ट है, लेकिन इसको नज़रअंदाज मत करो, सिलेबस से है और अंदर से है। कुछ लड़के तो बहुत खुश होते हैं, कुछ लड़के बहुत धीमी गति में होते हैं और कहते क्वेश्चन की पकड़ ही नहीं होती क्योंकि घर पर नहीं पढ़ते। आइए क्वेश्चंस का ऑपरेशन हम बताएंगे, कहाँ किस लेसन से लिया गया दिखाएंगे, नोटबुक पर लगभग कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाई गई है वो भी बताएंगे। प्रिय बंधुओं, आपको पढ़ना पड़ता है, कवि के बारे में थोड़ा जानकारी रखिए, समरी हल्का पढ़ लीजिए और तब बनाने बैठिए और क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिए। किताब के क्वेश्चन में फंस जाएं दिक्कत है, जबकि 90-95% क्वेश्चन हम लोग छोड़ चुके हैं, क्लास में बता चुके हैं, 5 से 10% फाइनल टेस्ट के लिए रखे हैं, मॉडल क्वेश्चन के लिए रखे हैं, फिर भी आपको जो दिए हैं उसी में से लगभग टकरा जाएगा और बाकी ग्रामर तो फार्मूला से बनेंगे। 30 में से 25 बनाने थे, एक लेसन पिंच ऑफ एसन भी दिया है जिसको आप देखते हो, बचा शॉर्ट लॉन्ग का, घबराओ मत, ये मैंने कहा था लॉन्ग में समरी वगैरह, समरी वैसा ही पूछा, शॉर्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस हाल के पूछे गए हैं बताता हूँ। और जब मैं अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में आपको एटम हम रिलीज कर दूंगा, घर के क्वेश्चंस आपके मतलब होमवर्क जो देते हैं क्लास वर्क में वो आप कर लेंगे, शॉर्ट लॉन्ग की भी दिक्कत नहीं होगी। आइए हम बताते हैं, जबकि पिछले साल का एटम बम होता है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न अलग होते हैं, सब्जेक्टिव अलग होते हैं, इससे क्वेश्चन सुबह बहुत सारे हैं, तो आप सोच सकते हैं आपका परीक्षा कितना अच्छा होगा। आप सभी लोग ऑपरेशन के लिए तैयार होइए, कल आपकी परीक्षा हुई थी, हम लोग को सर 12th पास हो गए फिर भी आपका क्लास कर रहे हैं ताकि NCERT बुक हैंडल हो सके। बच्चे इसके लिए जो लोग पास हो गए हैं, एकाध सप्ताह के बाद मेरे टेक्निकल स्टाफ थोड़े बीमार चल रहे हैं, इनके चीक पर में ऑपरेशन होगी, गाल पर में हो जाती है, तो हम रेगुलर आपको स्पोकन बैच भी देंगे अलग से, यूट्यूब पर एक आध देंगे और उसके बाद ऐप पर में आप ले सकते हो बढ़िया से, ठीक है। आओ, तुम्हारी क्वेश्चंस सामने है और बनाते हो, और फिर हम बताना चाहेंगे ये क्वेश्चन कहाँ, सितंबर में जो टेस्ट हुई है उसकी हम बता रहे हैं, जो कॉलेज में टेस्ट हुई है 30 नंबर में से किसी 25 का बनाना 30 है, 4 ऑप्शन है, एक को सेलेक्ट करके रंगना है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग शुरू करते हैं, 25 के जवाब देने हैं। स्नेक्स, बहुत लोग कहते हैं सर पता ही नहीं चलता है क्योंकि वे घर पर पढ़ते नहीं हैं, पता चलेगी कैसे, पता तब चलती है जब पता करते हो, इसलिए पता को पता करने के लिए हर वक्त चैप्टर का पता करते रहो, पढ़ाए हैं, रिलीज किए हैं। अब देखो, जो तुम्हें दे दिए हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ, मोबाइल छोड़ के थोड़ा, चूँकि बताऊँगा मैं। अब सवाल है, पढ़ोगे तब तो, माय ग्रैंड मदर्स हाउस का 23 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही पूछा है, स्नेक्स वर सीन अमोंग बुक्स, किताबों के बीच में सांप देखे गए थे, आंसर समीप बोलते जाएंगे चूँकि आप लोग बोलोगे तो टाइम लगेगा, बुक्स
और जो लोग बनाए हो आराम से बनेगा। अब ये सोल्जर है, सोल्जर जो सैनिक है, उस सैनिक कविता में जहां से बिलोंग करता था, मानते हैं कि इंग्लैंड से, इंग्लैंड को ही आपने शब्द में पढ़ा था इंग्लिश, ये सोल्जर चैप्टर में है। सोल्जर इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं, इंग्लिश एयर ब्रेथ में लेते हैं, और वो अफ्रीकन, अमेरिकन, रशियन, फ्रेंच नहीं है। अतः सोल्जर चैप्टर से आप इसको इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब इंग्लैंड के थे, ही बिलोंग टू इंग्लैंड। स्पेनिश तो थे नहीं, फ्रेंच थे नहीं, तो जर्मन थे नहीं। फूड, अब ये क्वेश्चन इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर साइज में है, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर साइज, और हूबहू क्वेश्चन आपने बनाया था। जब बाबू थोड़ा सा दिल खोल के पढ़ोगे ना, एक चैप्टर हम इंडियन सिविलाइजेशन से तीन तीन क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 38 का पार्ट है ना। सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी, वही काट के ऑब्जेक्टिव पूछा, पथ ऑफ ड्यूटी लाइन से, तो लाइन 100। और दूसरा है इंडियन एमेबल, दैट इज हर ग्लोरी, वह ग्लोरी है जो आई है, फैरोज वेयर द रूलर्स ऑफ इजिप्ट, एंशियंट इजिप्ट, ये तीनों क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से जो आएगा। पहले इसको, इसको आपने पढ़ा है, दरअसल सारे लेसन्स को उलटाने में तो समय थोड़े लगेंगे, और वो लगते इसलिए हैं कि आप लोग जो हैं सो घर पर में रईसी करते हैं और पढ़ते नहीं हैं खूब कस के, केवल हम पर छोड़िएगा तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आप भी काम करो कस के मनुष्य। ये इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज का नोट है, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 एंड 13, तो 13 नंबर क्वेश्चन है बनाना लिप्स पर में, केला के पत्ता पर में परोसा गया था खाना ना, कहाँ, केला के पत्ता पर, तो केला के पत्ता पर फूड परोसा गया था और हम लोग इसको ले रहे हैं बनाना। अब पीपल के पत्ता पर तो नहीं, मैंगो के पत्ता पर नहीं, आप पढ़े हुए चीज़ कोई भूल जाओ, अक्सर सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक आध लड़का बोलता है, बड़ी गुस्सा चढ़ता है, मन करता बुला करके दाएं बाएं दोनों चिक्स पर में एक एक दे दें, ठीक ना, राइट। ये देखो लोमोव, लोमोव ये कहाँ है, मैरिज प्रपोजल से है। लोमोव और नटालिया दोनों लड़ते थे आपस में, मैरिज प्रपोजल था जिसमें, मैरिज प्रपोजल में लोमोव और नटालिया को दिखाया गया है, ठीक है ना। लोमोव और नटालिया मैरिज प्रपोजल का क्वेश्चन नंबर 7 देखना, लाइने से आधा काट के पुदे, नटालिया एंड लोमोव वेर क्वारलिंग फॉर एक्स ऑक्स मेडोज, इसमें ऑक्स मेडोज की लड़ रहे थे, लेकिन लड़ कौन रहे थे, लोमोव एंड नटालिया। लाइन को, पॉइंट को याद रखोगे यहां पर मिल जाएगा, लोमोव एंड नटालिया। अच्छा ये क्वेश्चन तो हाउ फ्री द प्रेस से है, प्रेस वाला हाल ही में पढ़े हो, हाउ फ्री द प्रेस, इसका हू बहु क्वेश्चन आपको दिया गया है, जिसको ठीक से आप देखते नहीं हो बंधु, घर पर में देखा करो, पढ़ा करो, और पढ़ोगे तब आगे बढ़ोगे, पढ़ते नहीं हो और ये उल्टाने में तो पढ़ना पढ़ना टाइम लग जाती है। अब देखोगे प्रेग्नेंट वुमन के नारे के बारे में 40 में पढ़ा था, यही है क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा चैप्टर, हाउ फ्री द प्रेस, सेंसरशिप इज इम्पोज ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के है ना, यानी सेंसरशिप इम्पोज कब किया जाता प्रेस का, इमरजेंसी के दौरान। तो कृपया लाइन को बने रखें, पॉइंट्स पर में रखेंगे, टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने कहा था थोड़े से उलट पुलट देगा, लेकिन मेन सेंस आपको मिल जाएगा, वहीं से मेन आंसर मिल जाएंगे, ड्यूरिंग द इमरजेंसी। 6, आई तो तुम ऐसे ही बना लोगे, हाल में ए चाइल्ड इज बॉर्न पढ़ाए थे, उसमें प्रेगनेंसी की चर्चा हुई थी, गर्भवती, तो गर्भवती की चर्चा हो, वीमेन हैव टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड ट्रेडिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी हमने क्वेश्चन दिया था उसमें, सवाल में थोड़ा सा मात्र है लेकिन चेंजिंग में कोई खास नहीं है, ए चाइल्ड इज बॉर्न का 8 क्वेश्चन हम लोग खाली जगह करके दिए, वुमन हैव टू ऑब्जर्व वेरियस रिचुअल एंड कस्टम, बहुत सारे रीति रिवाज को अपनाना पड़ता है, किन को, प्रेग्नेंट वुमन को, यानी प्रेगनेंसी के दौरान,
उसी से आपको सेंस काट दिया है और आपको पूछा किस दौरान, तो प्रेगनेंसी के दौरान। तो इस पॉइंट्स को याद रखो, पॉइंट अपने मिल रहा है डेट्स ओके, ऑप्शन थोड़ा मोरा इधर उधर करेगा इन मेन पॉइंट्स को, और बहुत क्वेश्चन तो हो बहु, जबकि अभी फाइनल क्वेश्चंस नहीं दिया है, फाइनल क्वेश्चंस देना बाकी है। आगे देखिए, और ये किताब के एक लाइन से है, आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, वो विचार जो मानव जाति को प्रभावित किया है, एक आध लाइन वाला है, जिसमें डाई इन लार्ज नंबर्स इन विंटर, अधिकांश संख्या में मर जाते हैं जाड़ा में, कौन, एनिमल नहीं, मनुष्य नहीं, सबसे अधिक बर्ड्स मरती है, चिड़िया मरती है, इसको लाइन में आप देखेंगे। अब ये क्वेश्चन है, अब ये देखो भैया, तुमको पढ़ाए थे हम ओट टू ऑटम, ओट टू ऑटम में दो किताब का नाम ऊपर में आपको दिया गया है, और क्वेश्चंस भी काट के हमने बताया है कि हाइपेरियन और इंडिमियन किसके द्वारा लिखी गई। आप जॉन किट्स का नाम लेते होते आराम से बनता होता, लेकिन आप लोग करते क्या हो, घर पर में दोबारा देखते नहीं हो और कहते हो सर जी कहाँ से दे दिया जी, अरे ऐसा नहीं होता है जी, है ना, हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर, घर पर तू मिलाना, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे लेसन्स हैं, तो उलटना तो पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे ओट टू ऑटम के ऊपर में ही कवि का नाम है, और कवि के नाम वाले में क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ दो किताब का नाम है ना, हाइपेरियन एंड इंडिमियन, ठीक ना, ये दोनों किताब लिखी गई जॉन किट्स, हाल में भी हम यूट्यूब पर बताए थे, डिस्कशन किए थे, डिस्कशन में रहा करो मज़ा आएगा, ठीक ना, डिस्कशन में डेली रहते नहीं हो, घर पर पढ़ते नहीं हो, और यहाँ तो लाइन में है, और क्वेश्चन नंबर कितना है ओट टू ऑटम का अपने में, क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें लामिया एंड हाइपेरियन है, हाइपेरियन से आपको मिल जाता, और वैसे दोनों किताब हाइपेरियन इंडिमियन लामिया इन सबको तो जॉन किट्स ने लिखा। जॉन किट्स वॉज ए रोमांटिक पोएट, ही लव्ड नेचर वेरी मच, ही रोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स, आप देखे हैं सब लिखा है, अतः हाइपेरियन एंड इसको किसने, जॉन किट्स। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लाइन है, ये लाइन का अधूरा भाग आपके क्वेश्चंस पर भी है, लाइन भी हम पढ़ाए हुए हैं। इसमें दरअसल बच्चे को घर पर दोहराना चाहिए, बच्चे इतने स्मार्ट हैं जो क्वेश्चंस को सोचता है कि रात परीक्षा कल है, और गुरुजी उठते एक दिन पहले क्वेश्चन आउट करके दे देते, तो पढ़ाई बाबू ख़त्म हो जाएगा ना, जब पढ़ोगे नहीं तो लड़ोगे कितना, और इंग्लिश ही मात्र इससे कमज़ोर होते हैं विषय बच्चे के लिए, जो अंतिम अंतिम तक बच्चे को तोड़ देता है। होपिंग टू सीज, होपिंग टू सीज, यहाँ पर दिया नॉट टिल डेथ, और दूसरा लाइन है आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई हार्बर फॉर गुड और बैड का बैड का ही यहाँ पर आधा भाग है, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और किताब के लाइन पर में ही है आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई परमिट टू स्पीक एवरी हजार्ड, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, और यहाँ पर लाइन को आपको देखना चाहिए, और लाइन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है, जो आधा भाग उसमें से आप काट करके मिलाओ मिल जाएगा, यहाँ पर आई परमिट है आई, तो ये कहाँ से मिलेगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। अब ये क्वेश्चन अभी नहीं पढ़े हो लेकिन पढ़ लोगे, जो जो चैप्टर नहीं पढ़े हो उसी का 10% 15% क्वेश्चन बाकी है, जैसे स्टोरी ऑफ इंग्लिश मुक, लेकिन स्टोरी ऑफ इंग्लिश भी हो जाएगा, अभी पढ़े नहीं हो लेकिन पढ़ लोगे, दो लेसन हुए हैं, है ना। द डेवलपमेंट ऑफ वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, है ना, कौन पीरियड का मदद जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को विकास करने में मदद किया था, ओल्ड में नहीं, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड डार्क एज का पीरियड था, मिडिल इंग्लिश का पीरियड था 1476 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी कैक्सटन के द्वारा, एंड तब से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ मॉडर्न में, मॉडर्न में तो जाकर पूरे डेवलप्ड हो गया, मिडिल में ही मदद मिला उसको और तब जाकर के मॉडर्न बना, इसलिए कुछ टीचर्स को मॉडर्न बता देते हैं, लेकिन हमने कई एक बार बताया है कि इसमें मिडिल होगा, और मिडिल ही होगा नहीं बल्कि आपका जो पिछले साल हम लोग दिए थे एटम बम ऑब्जेक्टिव सीरीज, उससे भी क्वेश्चंस है, 88 नंबर क्वेश्चन है ना, 84 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, साथ ही साथ रोमांटिक रिवाइवल वाला भी आपको दे दिया है एलेक्जेंडर पोप, जब आपको एलेक्जेंडर सॉरी विलियम वर्ड्सवर्थ, जब जब आपको पूरा पूरा पढ़ाई होगा
तब होगा। यहाँ पर पेज नंबर पुरनका किताब से है 19 नंबर में 89 नंबर क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ .. वॉज हेल्प्ड बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, सेम क्वेश्चन है और इसको मिडिल इंग्लिश पीरियड में डेवलप मिला था, मॉडर्न में नहीं। कुछ लोग मॉडर्न को इंडिकेट कर देते हैं मिडिल इंग्लिश, पोस्ट नहीं, बाद का नहीं, इसलिए मिडिल इंग्लिश, ठीक है ना। आओ, ये क्वेश्चन सर कहाँ से लिया गया है? अरे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर बाबू तीन तीन क्वेश्चन को जन्म दिया इस बार के टेस्ट में। इसका मतलब है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर को ठीक से तुम लोग देखोगे तो बनेगा ही बनेगा, देखते नहीं हो और अपने आप को यह सोच लेते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 17 अपने नोट पर है, फैरोज अंडरलाइन भी कर दिए थे, वेयर द रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, उस लाइन को केवल पॉइंट को याद रखता, प्राचीन इजिप्ट का फैरो क्या होते थे, शासक होते थे फैरोज, तो यहाँ पर दे देगा आर रूलर्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट, इधर गायब कर दिया, यही अंडरलाइन करके आपको दिया हुआ है। आप ऑप्शन में क्या खोजेंगे, फैरोज, अमेरिकन ने फैरोज, चलिए फैरोज से फैरोज बना, इसलिए 17 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे। आ जाओ नेक्स्ट प्लीज, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू ह्यूमन बीइंग द पथ ऑफ ह्यूमनिटी कि पथ ऑफ सिविलिटी, द पथ ऑफ ह्यूमनिटी कि पथ ऑफ ड्यूटी। यहाँ पर सिविलाइजेशन जो है मनुष्य को बताता है, इसी भाग से 38 नंबर क्वेश्चन का लाइन से ही काट के दिया है, 38 नंबर क्वेश्चन आपके नोट पर, सिविलाइजेशन दैट मोड ऑफ कंडक्ट व्हिच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, उसी लाइन में से काट करके ऑब्जेक्टिव्स बना है, आप देखेंगे पाथ ऑफ ड्यूटी, यहीं पर आपको आंसर डी है। 13 नंबर आपको देखेंगे, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है। अब ये क्वेश्चन तो आई हैव अ ड्रीम के फर्स्ट में है भैया, आई हैव अ ड्रीम चैप्टर, उसमें देखोगे आई हैव अ ड्रीम स्पीच किसके द्वारा, मार्टिन लूथर के द्वारा, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर यहाँ पर है, दूसरा आंसर होगा ही नहीं, आप एच ई बेट्स, जर्मन ग्रीन, ये सब तो होगा नहीं, आप रटते नहीं हो, सटते नहीं हो, इसीलिए देखोगे। अब ये नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में है, थोड़ा सा इस लाइन पर मैं ध्यान देंगे, जब मनुष्य मर जाता है तो उसे कितने क्रियाशील बाजू भी होते हैं तो फ्री जम जाते हैं, रुक जाते हैं, कितना भी नाम का मुकाम पहुंचना है लाइफ में ही, अतः बंद हो जाती है, रुक जाती है मरने के बाद, ये सेंस पर मैं दिया है डेथ। आ गया ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको स्नेक चैप्टर में, जी ना, स्नेक चैप्टर में हू बहू क्वेश्चन है, आप ठीक से देखेंगे तो मिल जाएगा बाबू, जब क्वेश्चन नंबर भी हम डिक्लेयर कर देते हैं, और थोड़ा बहुत यहाँ का बच्चा होगा नोट को लेके आना, और तब तुम्हें हम और अच्छे से तैयारी करवाएंगे, क्योंकि अभी बाकी है अक्टूबर, अक्टूबर में बताए थे जो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगा, उस टेस्ट सीरीज को लेने के बाद हम लोग यूट्यूब पर रिवीजन मार देंगे, ताकि बाहरी बच्चा को भी दिक्कत ना हो। आप सभी लोग सिर्फ पढ़ें पढ़ें पढ़ें। आइए मिल गया, द स्नेक केम या एपियर्ड टू द वाटर ट्रो ऑफ द, एपियर्ड भी ब्रैकेट में दे दिए, केम भी, क्वेश्चन नंबर 15 से स्नेक का, क्वेश्चन नंबर 15 नोट पर में, तो देखोगे एक दो क्वेश्चन छोड़ के लगभग लगभग आपका क्वेश्चन आ जाएगा, पोएट के, है ना, पानी को सुरखने के लिए पीने के लिए आया था पोएट के ट्रॉ जलहौज के पास, उनके और किसी के पास नहीं, ये नहीं टीचर के पास, लॉयर के पास, डॉक्टर के पास, जी नहीं। अब ये क्वेश्चन, रोमांटिक रिवाइवल, रोमांटिक रिवाइवल अभी पढ़े नहीं हो तो मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश जब पढ़ लोगे तो ये कितने बार हम लोग बताएंगे अभी से लेकर के परीक्षा तक, परंतु यहाँ पर देख रहे हो पेज नंबर 9 में ऑब्जेक्टिव में अपने यहाँ दिया हुआ, ये दिया जाएगा बुक, लेकिन ये बुक ने बदल के, परंतु क्वेश्चन नंबर 88 89 बहुत से उठाया है, ठीक ना। तो रोमांटिक रिवाइवल जो है विलियम वर्ड्सवर्थ, और रोमांटिक पोएट जॉन किट्स भी थे, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ वार द रोमांटिक लीडर ऑफ रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्री, रोमांटिक स्कूल ऑफ पोएट्री के रोमांटिक लीडर भी थे, इसका मतलब उनको भी नेचर से प्यार था, इनका रिवाइवल जो हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ ही हुआ था, ये नाम रटे हुए। अब आप देखोगे ये क्वेश्चन सर कहाँ से आया, भैया क्वेश्चन जो है ये जो आया है
इमेबल अडिग रहता है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, तीन क्वेश्चन आया है इस बार टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर हमने आपको बताया था हाल में कि आइए ये नोट्स तो बहुत सारे हो जाते हैं, 11 चैप्टर प्रोज के, 10 चैप्टर पोएट्री के, फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश के, फिर ग्रामर तो अलग है, ग्रामर का तो रूल पर बनेगा। इंडियन इमेबल डैट इज हर ग्लोरी। क्वेश्चन नंबर 36, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, लाइंस पॉइंट्स टकरा जाएगा, ये ठीक से आप पढ़िए था। अब आप देखिए, बिकॉज ऑफ ग्लोरी, थोड़ा बहुत भाषा में छेड़छाड़ करेगा लेकिन मेन पार्ट मिल जाएगा। इंडिया रिमेंस इमेबल बिकॉज ऑफ है वहाँ, और डैट इज यहाँ पर है बस, और ग्लोरी ऑप्शन में है, ग्लोरी मारिए, ग्लोरी कारण। अब ये क्वेश्चन तो दार्थ का है और ये समझते हैं कि बेंजी जो है उसे मुर्गियाँ रखने के लिए किसने सलाह दिया था। आप चल जाओगे अर्थ में, लाइन में, समरी में, उसे मिलेगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू कीप हैंड्स, यानी उनके पिताजी जब पूछा तो कहा ही मस्ट बी एंगेज इन वर्क लाइक कीपिंग हैंड्स, मुर्गी रखने जैसे काम में उसे लगा दिया जाए। तो डॉक्टर ने सलाह दिया, सिस्टर नहीं, पेरेंट्स नहीं, ग्रैंड पेरेंट्स नहीं, डॉक्टर, ठीक ना। आ गया, आज थोड़ा जल्दीबाजी में इसलिए हूँ, जो आप सभी लोग जानते हैं कि केवल टेस्ट के क्वेश्चन ही नहीं, मैंने एक लेसन भी बढ़ा दिया है, और इसलिए आप लोग को कम समय दे रहे, इधर उलटने पर में ध्यान रहता है, एक चैप्टर से तो है नहीं क्वेश्चंस, डिफरेंट चैप्टर से है। अब जैसे द आर्टिस्ट पढ़ा होगा, और आर्टिस्ट के समरी में एक लाइन है, ही लाइक्ड इवन एंड सिमेट्रिकल गोड, एकदम सुडोल और समान गोड को पसंद करता था, नोटेड गोड्स को पसंद नहीं करता था। तो सिमेट्रिकल एंड इवन, या इवन एंड सिमेट्रिकल, ये कैसा गोड, एप्पल है ना, एप्पल सेवे, सेवे एप्पल, सिमेट्रिकल एंड इवन। अब आगे आ जाओ 19 के बाद 20, ये सर नहीं पढ़े हैं, जिन्हें ये नहीं पढ़े हैं, ये पैसेज टू इंडिया, ये आपको मिलेगा कहाँ पर मालूम है, ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश जब पढ़ेंगे, अभी पूरे पढ़े नहीं है, जब नॉवल पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा उसमें नाम, और ये अपने गेस पेपर में दिया हुआ रहता है बाबू, आगे जाकर आपको मिल जाएगा, कब, अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट में, ए पैसेज टू इंडिया, एकदम क्वेश्चन नंबर 99 नंबर, पेज नंबर 20, जिनको क्लास वाले बच्चे यहाँ भी देख लेंगे, ठीक ना। ए पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाय ईएम फॉस्टर, मैंने कर दिया है टेस्ट 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 सब में दाग लगा के, एक आध दो थोड़ा सा काट कुट करके लाइन को किया है, बाकी बहुत सेम सेम भी है। आइए यहाँ पर हम देखते हैं ईएम फॉस्टर 21, स्पेलिंग करेक्ट करना है तो स्पेलिंग तो शब्द मालूम होगा तभी करोगे, जैसे प्रेपेयर, पी आर ई पी आर ई प्रेपेयर, प्रोपियर नहीं होता है, प्रिपेयर नहीं होता है, तो स्पेलिंग को देखना पड़ेगा, करेक्ट स्पेलिंग चुनना है, इसका कोई गेस नहीं होता, बस पढ़ाई के ऊपर है, प्रेपेयर, ये प्रेपेयर होगा। ये देखो, अब सही स्पेलिंग चुनना है, अब इसमें से इनकरेक्ट गलत वाक को चुनना है। अब देखेंगे हम सबसे पहले इस वाक को, मेरे बंधु इसमें देखो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को पहले भी फोर जब चाहिए तो भी फोर से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं जा रहे मुआजर, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद भी फोर तो होता नहीं है, या तो भी फोर खुद ही सब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट होता तो कोई बात नहीं, तब जरंड होता, जैसे वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ तो सब्जेक्ट वही है, अब वही के साथ आर रहता, वेयर रहता, हैव बीन रहता, कोई भी सहायक क्रिया रहता, तब तो सहायक क्रिया है ही नहीं, यही वाक गलत है, आंसर यही है। बाकी राधा प्लेज, राधा थर्ड पर्सन प्लेज सही है इन द इवनिंग, सुनीता इन्वाइटेड, सब्जेक्ट के बाद भी टू सही है, हरी इज सीकिंग, इज आर एम के बाद भी फोर है, तो इसका मतलब तीनों वाक सही है, एक गलत है वही है, गलत को चुनना था, आंसर यही है। ये पढ़ाई होगी करेक्ट इनकरेक्ट, ये भी आपको सेंसर क्वेश्चन दिया है, बहुत टीचर इसमें हैंग भी करवा देते हैं, लेकिन हैंग नहीं होगा, फोटो फ्रेम जो है ये क्या है, वस्तु है, वस्तु अपने एक्शन नहीं करता है, पैसिव सेंस में है, जैसे आई ईट ए मैंगो इज ईटन बाई मी, तो जब भी उसमें ईज आर एम प्लस वी थ्री, हैंग होने लटकाना होता है, अपने लटकता तो है नहीं फोटो फ्रेम, उसको लटकाया जाता है, यदि इसमें भूतकाल का समय होता तो वाज वर प्लस वी थ्री होगा, अब भूतकाल का नहीं है, ईज आर एम प्लस वी थ्री, यानी फोटो फ्रेम को लटकाई गई है,
इज आर एम प्लस वी थ्री, यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए इज प्लस वी थ्री। वाज भी होता यदि यहाँ भूतकाल का समय होता, तो है नहीं इसलिए प्रथम, लेकिन हैंग नहीं होगा, यहाँ लटकना अपने लटकता नहीं है, लटकाया जाता है, निर्जीव है ना। आगे देखो 23, 24, ऐसा क्वेश्चन तो तुम आराम से बना लोगे, है ना। सिंटैक्स के टाइप का क्वेश्चन है, टाइम एंड टेंस में भी डू नॉट डज नॉट के साथ जो सहायक सब्जेक्ट लगेगा, सो देखो डू के साथ तो ही नहीं लगेगा, डू के साथ सी नहीं लगेगा, डू के साथ इट नहीं लगेगा, क्या होगा, यू डोंट यू। अब यहाँ पर तो एकदम कॉमन सेंस की क्वेश्चन है, बिल्कुल सहायक क्रिया, कौन सा सहायक क्रिया किस सब्जेक्ट के साथ लगेगा ये देखना है। क्या आप डू नॉट का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ करेंगे? नहीं, फर्स्ट पर्सन आई के साथ, बहुवचन वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ। अब यहाँ पर पैसिव वॉइस सही फार्मूला से बनेगा, फार्मूला का मतलब क्या होता है देखते रहेंगे। द टीचर वाज प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो, कहाँ है, द क्लास है ही नहीं, द क्लास है ही नहीं, द क्लास दो गो में मिल गया। अब चूंकि वाज है तो वाज वाला ही मिलेगा, इज वाला होगा नहीं। अब वी फोर को तोड़ना है तो बींग प्लस वी थ्री में टूटेगा। फार्मूला को देखो, इस फार्मूला पर बने ग्रामर को डायरेक्ट नहीं, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलेंगे परंतु टाइप नहीं, रूल नहीं। तो आप वाज प्लस बींग टाउट, इसका मतलब आंसर डी है, ठीक ना। आंसर क्या है, जब भी आई एन जी हो तो उसको बींग प्लस वी थ्री में तोड़ना है, ठीक ना। देखो कितना आसान है, ये एक चीज अच्छा की है सरकार, मंथली टेस्ट लेकर आपको आँख खोल दिया कि बउआ पढ़वा तो हो ही ना तो लटकवा, ठीक से पढ़िए और सारा यूट्यूब पर बने रहिएगा। इनकी ऑपरेशन है टेक्निकल जी की, इसलिए संडे क्लास ना लेकर हम लोग ट्यूजडे लेंगे, और ट्यूजडे क्या प्रोग्राम होगा वो भी बता देते हैं अभी से। थोड़ा सा पढ़िए जम के, टाइट होकर ब्राइट हो जाइएगा, अन्य तो साइट मिल जाएगा, ठीक ना। फिर अगला अक्टूबर में सेंटर परीक्षा है आपकी, जोर लगा के ऐसा, जोर लगा के वैसा, इसलिए संडे क्लास नहीं इस बार होगी तो ट्यूसडे दे देंगे, और फिर थर्सडे होगी, फिर संडे होगी, होती रहेगी। एक बार थोड़ी ऑपरेशन इनकी हो रही है, दो चार दिन को रेस्ट चाहिए। ओके 26, आई है कंप्लीटेड है, अब तुमको ऑप्शन देखना है। जब कंप्लीटेड भी थ्री है तो भी थ्री डू डज के साथ आएगा नहीं, शुड मस्ट के साथ आएगा नहीं, हैज हैव के साथ आता है, तो आई के साथ हैव लगा लो। ये सब भी टाइम एंड टेंस में ही पढ़े हो, टेंस के अनुसार आई हैव माइट शुड में तो होगा नहीं, क्योंकि आगे भी थ्री है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, हैव। मैं बहुत देर से आप लोग को नहीं देख पाया, बहुत आदमी आंसर कर रहे थे लेकिन मैं लगा हुआ था पेज उल्टाने में, इसलिए दोनों काम एक साथ ठीक नहीं होता। लेकिन बंधु आप लोग पर ध्यान मैं आज कम दिया हूँ, दूंगा ए पिंच ऑफ स्नफ में, थोड़ा पेज उलटना था, आप ही लोग की भागीदारी साथ में निभा रहे थे, तो टेंशन नहीं लीजिए और आराम आराम से चलते रहिए, ठीक ना। लाइव चैट में पड़े हुए हैं चिरंजीवी जी, पंकज आट, परमतोष, डीपीएस गेमर, बहुत लड़का जवाब देकर निरुत्साह भी हो रहा है। कुछ बोल रहा, सर मेरा दोस्त समस्तीपुर में रहता है, क्या नोट्स मिल सकता है? हाँ, अक्टूबर लास्ट से आप पेन ड्राइव पीडीएफ भी ले सकते हैं, अक्टूबर लास्ट में हम नोटिस कर देंगे, और जब क्लास बढ़ जाएगी अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक में, हर एक साल हमारी गेस्ट पेपर आ जाती है तो हम देंगे, घबराओ नहीं, कोई भी लेगा। आगे 27, ऑफ ऑल गर्ल्स इन द रूम मोहिनी इज श्योरली, अब देखोगे अकेला गुनागुन बताते हो पॉजिटिव में, दो के भी तुलना करते हो सुपरलेटिव, और दो से अधिक करते हो, दो से दो में कंपेरिजन करते हो कंपेरेटिव, और दो से अधिक में जब तुलना करते हो बताते हो सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव तो होगा, क्यों होगा ये भी देखेंगे, और कैसे वही होगा वो भी बताएंगे। एक तो ऑफ ऑल गर्ल्स है तो सुपरलेटिव होगा, सी श्योरली द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखो दूसरा, द मोर ब्यूटीफुल दो तक ही होता, ये होगा नहीं। दूसरी बात, द मोर सेलेक्शन कंट्रास्ट में लगाए जाते, द ब्यूटीफुल मोर तो उल्टा सेटिंग कर दिया, होगा ही नहीं। मोर द ब्यूटीफुल उल्टा पुल्टा किया हुआ है, एक ही द मोस्ट ब्यूटीफुल सही है। आगे आई 28 और 29, 30, बस तीन ही क्वेश्चन है, हो आए ये भी आपको बन जाएगा, टाइम एंड टेंस से भी, सिंटैक्स में भी पढ़े हैं।
भाव का एग्रीमेंट है, हुआ है, यू है, यू के साथ डू नॉट भी होगा, डिड नॉट भी, लेकिन यहाँ स्टर्डे है मेरे बच्चे, अतः जल्दीबाजी में इन्हें जो सर फलना सर बताए डू नॉट भी होगा, होता यदि स्टर्डे नहीं रहता था, थोड़ा बारीकता से देखना पड़ेगा, नहीं तो बोर्ड में लिए दिए किए, यहाँ डोंट नहीं होगा, आ शुड नॉट तो इसलिए नहीं होगा, स्टर्डे है, वुड नॉट भी नहीं, तो यहाँ पर डिड नॉट। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है हमारे हिसाब से, क्यों, आई विश है ना टू कम बैक होता ठीक है, सब्जेक्ट है और मुख्य क्रिया इसमें दिया ही नहीं है, यहाँ यदि कम रहता तो वुड आंसर अच्छा होता, लेकिन कम भी छूटा हुआ है और देखते हैं आई विश है, इच्छा वाले में वेयर होता तो वेयर ऑप्शन है नहीं, जैसे आई विश आई वर यंग अगेन, ये ऐसा भी नहीं है, तो वुड प्लस वी थ्री होता, आई विश आई वुड गो टू, वुड भी नहीं है, यहाँ पर हेड है जो नियरेस्ट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर वुड होता और क्रिया में कम होता तो सुइटेबल होता, इस क्वेश्चन में कुछ कटावटा है, इससे सुइटेबल मीनिंग नहीं आ रही है, सीधे बैक तो रोम इज रमन इज बैक, आई एम बैक, ऐसा होता है, इज आर एम प्लस वी थ्री होता, लेकिन विश है इच्छा तो भूतकाल में जाता, यहाँ पर ऑप्शंस पूरी मैचिंग नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शंस कम लगा कर ये देना होगा। 30, ए स्मॉल पॉक्स हैज बीन इराडिकेटेड, ये तो प्रीपोजिशन है, इराडिकेट का मतलब होता है उन्मूलन करना, जड़ से मिटाना, उन्मूलन करना इराडिकेट फ्रॉम होता है, ये फ्रॉम फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रॉम ही देना, जैसे इराडिकेट फ्रॉम सोसाइटी, समाज से उन्मूलन कर दो, दहेज प्रथा को हटा दो, इसमें इराडिकेट है, फ्रॉम देना, इन बहुत लोग बता देते हैं, इन एक सेकेंड ऑप्शन होता है, जो फर्स्ट ऑप्शन ऑलवेज है उसको लीजिए, ठीक है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 10 देगा, ऐसे से 5 देना है, प्रोज का हम क्वेश्चन रिलीज नहीं किए, समरी पढ़ा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव दे दिए हैं, अब रिलीज कर देंगे, आप मिला लोगे लगभग क्वेश्चन अपना टकरा जाएगा, तब तक पोएम में से लिए हो, स्टोरी ऑफ इंग्लिश से, इसमें से देखो जाकर के मिलाना, ये तो प्रोज सही है, मैनेजिंग चार्ज पर ये भी मिल जाएगा, जब ये 40 बॉन्ड का 5वां या 6ठा क्वेश्चन पर होगा मिला लेना, ये भी क्वेश्चन 4था नंबर पर होगा, हाउ फ्री द प्रेस, जॉनसन ने रेंटेड किससे लिया था, सेंडर्स नामक व्यक्ति से लिख सकता था, लेकिन नहीं लिखा तो बात नहीं, ये सोल्जर से है, किससे है, सोल्जर, क्वेश्चन हु बहु मिलेगा 2 नंबर पर में, द सोल्जर से, शॉर्ट क्वेश्चन हम दिए हुए हैं, आप जाकर के इसको मिलाइए, है ना, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट ब्यूटी, ये भी मिल जाएगा, स्वीटेस्ट लव से लिया गया है, ठीक ना, सॉरी ब्यूटी है ना, ये स्वीटेस्ट नहीं, एन एपिटाफ से, एन एपिटाफ से, अन मिल जाएगा, जैसे एन एपिटाफ को उल्टोगे, नहीं मिलने का सवाल कहाँ है गुरुजी, मिलेगा ही, ईमानदारी से केवल पढ़ते रहिए, मिलेगा, ठीक ना, ईमानदारी से नहीं पढ़ोगे तो नहीं मिलेगा। अब जैसे सोल्जर, सोल्जर का ये क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है अपने में नोट पर दिया हुआ शॉर्ट में वो भी है, ठीक ना, स्वीटेस्ट लव का 5वां क्वेश्चन 6ठा क्वेश्चन होगा, सभी क्वेश्चंस आप उल्टोगे और गेस पेपर जो देंगे इसमें भी रहेगा सब्जेक्टिव वाला में, राइट ना, इसमें भी क्वेश्चन नंबर लॉन्ग शॉर्ट सब आपको मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, बिना पढ़ाई के नहीं होगा, राइट द नेम ऑफ डायलेक्ट्स भी यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा सा कोशिश करके अभी 2 क्वेश्चन आपको पोएम से दिया, नटालिया पढ़ा दिए, लेकिन इसका शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ेंगे तो मिल जाएगा, व्हाट इज द मार्टिन लूथर, ये भी पढ़ाएं, आई हैव ए ड्रीम, उसमें मिलेगा, लेकिन व्हाट मेक्स ए मैंस पावर फीवल, ये स्वीटेस्ट लव का है, ये 8वां क्वेश्चन स्वीटेस्ट लव से है, मनुष्य को किस चीज कौन सी कमजोर बना देती है, स्वीटेस्ट लव ये है, इसमें आप शॉर्ट क्वेश्चन मिला लो अपना मिल जाएगा, मनुष्य को जब भाग साथ नहीं देता है तो मनुष्य कमजोर हो जाता है, फॉर्चून डज नॉट फेवर तब, राइट इन नोट ऑन द डायलेक्ट्स, ये क्वेश्चन तो पढ़ाएंगे तब मिलेगा, पढ़ाई नहीं है, यहाँ पर है 5 डायलेक्ट्स, नॉर्थन साउथन ईस्ट इंडीज वेस्ट इंडीज
है ना, ये सब तो वेस्ट मिडलैंड, ईस्ट मिडलैंड इंग्लिश कहते हैं, एंड कैंटिस यहाँ पर है, लेकिन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पढ़ाई नहीं है, उससे मिलेगा ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से। अब हम देखते हैं, ये तो हाल में पढ़ाए हैं, ड्रामेटिक एलिमेंट्स स्टोरी ऑफ ड्रामा में से है। आप देखोगे क्वेश्चन पीछे दिए आंसर इधर है एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स के बारे में लिखना है। इस पर भी दिया हुआ रहता है क्वेश्चन, तो इस पर भी दिया हुआ रहता है, उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि आप लोग पढ़ते कितना हो, है ना, उसको ड्रामेटिक एलिमेंट्स वे कौन कौन सी पढ़ाए थे, प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, सीनिक इफेक्ट, गेस्चर्स, म्यूजिक एंड लास्ट ऑफ सॉलिक, यही इसके एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का नाम लिखना था बस। ये भी दसवां क्वेश्चन आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है, स्टोरी ऑफ ड्रामा, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के ड्रामा चैप्टर में, ठीक ना। एलिमेंट्स भी पढ़ाए थे, टाइप्स भी पढ़ाए थे, हाल में पढ़ाए हैं क्लास में, आपको यूट्यूब पर भी डाल देंगे, यूट्यूब पर कहते हैं ऐप पर। तो 10 में से जवाब पाँचे का देना था, 4-5 तो अभी तक आपको रिलीज्ड है, अप्रोच कर लेंगे बस सब मिल जाएगा, इसे धैर्य रखिए। और सर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, समरी लिखना पड़ेगा, ये समरी भी अपने गेस पेपर का एक एक पन्ना उल्टोगे और सेट रहता है, कहीं कोई घबराने की बात नहीं है। लॉन्ग आर में तो लॉन्ग लिखना भी नहीं, मैचिंग से देना है, लेकिन लिखना है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पहला क्वेश्चन, यहाँ पर भले दे दिया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ तीसरा में, एन एपिटाफ अपने यहाँ दूसरा में है, यहाँ दे दिया है एन एपिटाफ दूसरे में, और मैक्विटी पीछे वाला पेज इसी के पीछे है, मैक्विटी द मिस्टी कैट दूसरा का और है। इसका मतलब है आसान है, कोई एगो समरी लिखना था, यहाँ ए पिंच ऑफ स्नप, आप अगला पेज में आओगे यहाँ से प्रोस शुरू हो जाता है अपने यहाँ, ए पिंच ऑफ स्नप पहला ही है, लूट लो आइडियाज डाटा वेल मैन काइंड या आर्टिस्ट सब आपको टकरा रहा है। सर फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, यस वो भी, आप अगले में चल जाओगे और पहला क्वेश्चन है ना, वर्ल्ड इंग्लिश कैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज या फ्यूचर ऑफ इंग्लिश क्या है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जब भाग पढ़ोगे ये भी मिल जाएगा। इसी में एक नॉवल के बारे में पढ़ाएंगे, तो नॉवल के बारे में, इंग्लिश नॉवल के बारे में क्वेश्चन बना के लिखना है, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर के लिए, वो भी यहाँ दिया हुआ रहता है। अभी थोड़ा धैर्य रखना, 80% पढ़े हो 80-90 मिल जाएगा, 15-20% और पढ़ लोगे सारा मिल जाएगा, तब ये रिलीज करते हैं, वैसे नहीं। यहाँ पर आप देखो इंडियन इंग्लिश नॉवल के बारे में, फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, इम्प्रूव आवर इंग्लिश, ये भी अपने में है। यहाँ पर पेज नंबर कितना पर बता ही देते हैं, पेज नंबर यस 22 नंबर पेज पर मैं, क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन वी इम्प्रूव आवर इंग्लिश, ठीक ना, लेकिन पढ़ाना बाकी है इसलिए सब मिल जाएगा। ये था कल का टेस्ट, अब पिंच ऑफ स्नप यहाँ से जवाब दोगे, अभी सब कचरा को हटाओ, तब तक जिसको दिक्कत हो आकर के देखना मिलाना, मेरा दोस्त समस्तीपुर में ठीक है, मेरा गलत एगो दुगो हो गया कोई दिक्कत नहीं है, जब तक गलत नहीं करोगे मेरे बंधु सही होने की चांस नहीं होगा। चिरंजीवी बिहार बोर्ड के लिए घबराना नहीं, बस जो देते हैं वो कम से कम सुरख जाओ, पढ़ते रहो, मोस्ट ऑफ द बन जाएगा। कुछ क्वेश्चंस उलट के थोड़ा काट के पूछता है, जैसे बोल रहे हैं कि हु वाज द सेकेंड कमर इन द पोएम स्नेक, स्नेक में सेकेंड कमर कौन था, तो द पोएट, या द पोएज वाज नंबर 1, फर्स्ट कमर, सेकेंड कमर, थर्ड कमर, फोर्थ कमर, द सेकेंड कमर, काट के या उलट के पूछ सकता है, लेकिन पॉइंट आपको रहेगा दिमाग में तो बना लेंगे, इसलिए क्वेश्चन का प्रैक्टिस चाहिए। आइए, ए पिंच ऑफ स्नप एक स्टोरी है, बोरिंग स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जवाब आपका शुरू होता है अब 14 का, अब 1 नंबर से शुरू हो जाइए, अब यहाँ से आपका एक लेसन चलेगा पिंच ऑफ स्नप, जो हम 5 से 10 मिनट के अंदर रगड़ देंगे। हाँ हाँ, सुबह व्हाट्सएप पर बात करना है सर, व्हाट्सएप पर बात करना, शाम में 5 बजे हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद 5:30-6 हल्का फुल्का बातचीत करना, बाकी टाइम लेके आना, पूरा पूरा करना, लेकिन ज़्यादा बातचीत नहीं। इंटरेस्टिंग बी गुड, चलो इसमें जवाब जल्दी जल्दी दोगे, टाइम कम लगेगी, चूँकि हमारी क्लास है ना 4:10 से हमारी क्लास होती है, 4 बजे टाइम है, 10 तक आते हैं बच्चे, इसलिए। दूसरा क्वेश्चन है, हाँ संध्या भारती ठीक है, पंकज धीरज, नानू काका नैरेटर के कौन है, नानू काका वाज नैरेटर्स
पूछ भी दिया है क्वेश्चंस, मॉडल में भी बराबर देता है। मैटरनल अंकल रवि रंजन, ठोक दिया तू। देखो मैटरनल अंकल, बहुत लोग जवाब दे रहे हैं। पंकज, विशाल, विजय, चिरंजीवी, संतोष, रमेश, सौरभ, संध्या, ठीक है, नितिन राज, मोनी, बाबलू रॉय। अब नितिन राय मोनू रख लिया है, लड़का है कि लड़की पता नहीं, जो हो। आगे देखो, नानू काका मेन कैरेक्टर किस कहानी में है? पढ़े हो तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। नानू काका मेन कैरेक्टर किस कहानी में? तीसरा का आंसर चाहिए हमें। परमतोष, विशाल, विकेश, अब तुम्हारी बारी है। उस टाइम मिला रहे थे, थोड़ा बोर कर दिए होंगे तुम लोग को, लेकिन स्थिर से क्लास में या ऑफिस में आकर के चिन्ह लगवा लोगे, पढ़ोगे। एक एक बच्चा नोट को उल्टा करके लेते आना, हम एकदम टिक लगवा देंगे ताकि तुम्हें और संतुष्टि हो जाए। पढ़ाई करना होगा बबलू, 25 बनाना था, पांचों क्वेश्चन गड़बड़ाता भी तो 25 तो आराम से बना लेता, वो भी गड़बड़ाएगा क्यों, जो चैप्टर नहीं पढ़े हो इसलिए। नेक्स्ट, ठीक है, बी हम देखते हैं, पिंच ऑफ स्नफ, गुड। चौथी क्वेश्चन है, पिंच ऑफ स्नफ एक स्टोरी है, किनके द्वारा लिखी गई? जल्दी जल्दी होइए, टाइम थोड़ा कम, काम था ज़्यादा, मिलाने में लग गया ज़्यादा, इसलिए उधर हम आपको नहीं देख रहे थे। यस 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 यस, वाह मनोहर मालगांवकर, बी, कितना अच्छा तुम लोग बच्चा, हाय मनोहर मालगांवकर। पांचवा देखो, पढ़ के आओगे तो बनेगा। इसमें दो ढंग से क्वेश्चन पूछ देता है, यहाँ खाली जगह कर देगा, वाज कमिंग टू दिल्ली, दिल्ली कौन आ रहे थे? नानू काका। और नानू काका किस लिए आ रहे थे? मिनिस्टर से मिलने। आधा भाग काट के भी अलग क्वेश्चन बनता है जो पूछा भी है, इसलिए आधा क्वेश्चन हो पूरा क्वेश्चन हो इससे पता कीजिए कौन आ रहे थे दिल्ली। नानू काका रवि रंजन, एकदम टाइट हो आजकल, बड़ा ठीक है, भगवान भला करे, मेरा आशीर्वाद कायम रहे, पढ़ते हो तो अच्छा लगता है। हाँ नितिन, ठीक है, मोनी, देखो दीपक, चिरंजीवी, ठीक है, तो आ रहे थे नानू काका। नानू कौन? नानू छठा, हो टू के पिंच ऑफ स्नफ फ्रॉम हिज स्नफ बॉक्स, चुनौती से, सुंगनी से एक चुटकी, नॉइस यानी सुंगनी, कौन सूंघा था, किसने सूंघा था चुनौती से, सुंगनी के छोटा सा डब्बा से? नानू काका, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बराबर मॉडल में या फाइनल में पूछ देता है, देखेंगे। रतिराम किसका बेटा था? क्या हम नहीं पढ़ाए थे? ठोक के पढ़िए सर, मेरा राइट आंसर है, हाँ आतिश अंशु, ठीक है बच्चा, देख रहे हैं, चूंकि टाइम कम है इससे सबका नाम नहीं बोलना। शिवानी जम के पढ़ो, सोहनलाल रतिराम, यस। आठवां है, नानू काका कितना दिन ठहरना चाहते थे, कितना दिन ठहरते जब लेखक के माँ ने अनाउंस किया, व्हेन नेटर्स मदर अनाउंस्ड अबाउट नानू काका इज कमिंग, ही वॉज रियली नॉट हैप्पी, वास्तव में खुश नहीं थे, बिकॉज ही डिड नॉट लाइक गेस्टिंग, गेस्टिंग उनको पसंद नहीं था, नो तो कहे दो ये तीन दिन तक टिकेंगे बाबू, है ना, क्योंकि नरेटर कथनकार के माँ के भाई हैं, यानी मामू जी हैं नानू काका नरेटर के। यस 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 राइट। नौवां क्वेश्चन, हु डिसलाइक्स गेस्टिंग, अतिथिपन किनको पसंद नहीं है, नानू काका को कि नरेटर को, नरेटर के माई को, किसको? नरेटर की माँ तो कहती है मामू आ रहे, जाओ उनको ले आओ, बेचारे अंडर सिगरेटी थे, दो दिन के छुट्टी पर गए, और लेखक के मामू जी को जब लाने जाते हैं देखते हैं डेक्कानी ब्राह्मीण की तरह लग रहे हैं, एकदम अंगोछा लिए हो, वाइट अंगोछा, रेड सिल्कन पगड़ी पहने हुए, एकदम हाथ में एक पिजरा था जिसमें बिल्ली का बच्चा था, याद आ रहा ना, मराठी लैंग्वेज का यूज करते थे, मराठी में गलिया भी दिए थे, इस तरह बैड लैंग्वेज का इमरजेंसी पीरियड में लैंग्वेज निकल जाते थे, ध्यान रखिएगा, इसमें गेस्टिंग को पसंद नहीं करते हैं नैरेटर, नानू काका ने, नानू काका तो आइए रहे थे। नानू काका ने एक चेक लिखा था, और कितने हजार का चेक लिखा था उसी टाइम जब धोबी के द्वारा उसने मैनेज किया था, धोबी ने चेक लेकर के दिया, तब वो लहराए और बोले देखो ईमानदारी के लिए तुम्हें 2 रुपया का रिवार्ड भी मिलेगा, लेकिन वो चेक कितने का था? 1000 यानी 1000 का, आइए
1000 का था सी, अंगोछा। अब कह रहा अंगोछा, मराठी में अंगोछा कहते हैं गमछा उछा रखते हैं ना, अंगोछा वाज केप्ट। अंगोछा किनके द्वारा रखा गया था आप जानते हैं, नानू काका के वेशभूषा, घुटना तक लंबा कुर्ता कोट, अंगोछा व्हाइट रंग का था, रेड रंग की सिल्क पगड़ी थी, हाथ में किस्टिक और पिंजरा में बिल्ली का बच्चा था जो म्याऊं म्याऊं करता था बीच में, याद रखिए। तो ये नानू काका के द्वारा, हु गेव 2 रुपीज एज ए रिवार्ड टू धोबी। धोबी का वाशरमैन भी होता है लेकिन कवि लेखक ने धोबी शब्द का इस्तेमाल किया है ना, धोबी को धोबी लिखा, वाशरमैन भी होता है, यदि बदल कर वाशरमैन भी दे तो आंसर वही होगा। यस विशाल, सौरभ, संध्या, बिट्टू, ललित, रमेश, पंकज, विकेश, सब लाइन में पड़ा हुआ दे रहा है आंसर, पर तुरंत हम कर देंगे क्योंकि टाइम उधर मेकअप ज़्यादा हो गया। आओ तो यहाँ पर किसके द्वारा, नैरेटर ने नानू काका ने दिया था धोबी को। नानू काका ट्रेवल करते थे सेकेंड क्लास में, लेकिन टिकट उनके पास कौन क्लास का रहता था, नानू काका भले सेकेंड क्लास में ट्रेवल करते थे यात्रा, टिकट थर्ड क्लास का कटाते थे। जब लेखक गए थे स्टेशन पर उनको देखा आश्चर्य से कि सेकेंड क्लास के दरवाजा पर खड़े हैं और एकदम डेक्कनी ब्राह्मण की तरह लग रहे थे, है ना, तो थर्ड क्लास का टिकट रहता था। ओके नाउ 14, नानू काका एक्सपर्ट थे यानी निपुण थे, कौन सी करने में, बोलने में, झूठ बोलने में कि सत्य बोलने में कि कहानी बोलने में, इसका आंसर चाहिए मेरे बाबू। नानू काका झूठ बोलने में एक्सपर्ट थे, लाए विशाल, और भी बहुत लोग जवाब दिया है ए, कुछ लोग बी में दिया, वो गलत है, लाइज। द नरेटर वाज द ऑन प्रोबेशन या नरेटर इन द स्टोरी पिंच ऑफ स्नफ, पिंच ऑफ स्नफ नरेटर कौन पद पर है या प्रोबेशन प्रशिक्षण के दौरान कौन पद पर थे, चीफ सेक्रेटरी नो, अंडर सेक्रेटरी यस, क्लर्क टाइपिस्ट नो, ऑफिसर नो, अंडर सेक्रेटरी पद पर में थे, अंडर सेक्रेटरी कहाँ है हम देखता है 14 या अंडर सेक्रेटरी ए, तो आंसर मिलेगा तभी जब जम के पढ़ोगे, आंसर पीडीएफ में मिल जाएगा इस वीक से, शायद हम देने की कोशिश करेंगे, 2-4 दिन और धैर्य रख लो क्योंकि रेगुलर ये ड्यूटी पर रहेंगे, हाँ तब सब काम होगा, 3-4 घंटा मात्र अब बैठाएंगे, ये प्रथम महीना ऑनलाइन का था, इनको भी एक ग्रह था, ग्रह को हटवाने दो, उसके बाद पीडीएफ और सब चीज़ हिंदी वगैरह प्रॉपर वे में चलेगी, तब तक कॉलेज की परीक्षा भी हो जाएगी, ठीक ना। आओ, ड्राइवर हु वाज मेड ए ड्राइवर इन जोधपुर कोट एंड ऑरेंज टर्बन, ऑरेंज रंग के मुरेठा के साथ और जोधपुरी कोट के साथ ड्राइवर किसको बनाया गया था, नानू काका ने अपने भगना को या नरेटर को बना दिया था। यस यस, कुछ का आंसर तो बहुत अच्छा आ रहा है, चलो टाइम कम है इसलिए जल्दी जल्दी खींच रहे हैं। नानू काका मैनेज ए कार फ्रॉम सिक्का ऑटो डीलर, सिक्का ऑटो डीलर से नानू काका ने कार को मैनेज किया था बाय द हेल्प ऑफ ए धोबी, धोबी की मदद से। अतः मेरे बच्चे आज मेरे को ही आंसर तेजी तेजी में करने दो और तुम लोग भी जवाब दे ही रहे हो। नैरेटर वाज ऑन 2 डेज लीव, नैरेटर 2 दिनों की छुट्टी पर थे एंड वेंट टू द स्टेशन, और स्टेशन पर गए थे इच्छापूर्वक अनिच्छापूर्वक की खुशी से, जवाब हमें दो। परमतोष, बिट्टू, विशाल, सौरभ, सिद्धांत, आजाद, गुड्डू, बबलू, रवि रंजन, अनविलिंगली, ठीक है झा 17 में हो, चलो। इज वेरी प्राउड ऑफ हिज मैटरनल अंकल, इनमें से किनको अपने मामू पर में बहुत गर्व था, बहुत गर्व था कि मेरे मामू तो मेरे मामू हैं, ठीक है, तो मामू पर गर्व किसको होगा, नैरेटर को, एकदम क्लियर है। 19 के बाद आओ, 3 मिनट में ख़त्म करना है। व्हाट अट्रैक्टेड सोहन लाल, हु अट्रैक्टेड सोहन लाल, सोहन लाल को कौन आकर्षित कर लिया था एंड सेड दैट ही हैड बीन द हेडेट्री पंडित यानी हेडेट्री एस्ट्रोलॉजर यानी पुस्तैनी पंडित है, पुस्तैनी हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, और महाराज निंदौर पैलेस, ये बात किसने कहा था, नानू काका, ये तो है क्या, नानू काका ने कहा था कि हम मामूली आदमी नहीं हैं, और रजिस्टर पर मैं लिख दिया नाम तो अपना और पता लिखा नरेटर का। नानू काका वांटेड टू मीट सोहन लाल,
नानू का सोहन लाल से मिलना चाहते थे और एक मिनिस्टर थे वेलफेयर मिनिस्टर कल्याण मंत्री से, उनसे भी। इसका जवाब तुम लोग दे रहे हो ठीक है, लेकिन हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। वेलफेयर मिनिस्टर नानू काका लुक्ड लाइक, नानू काका कैसा लगते थे? नानू काका ड्राइवर की तरह नहीं, पॉकेटमार की तरह नहीं, डकैनी ब्राह्मीन या जमींदार की तरह, लेकिन मेन है डकैनी ब्राह्मीन की तरह लगते थे, है ना? ध्यान देंगे मेरे बच्चे। यस विशाल दिया था वेलफेयर मिनिस्टर। हम चलते हैं तेजी में, 22वां आ गए। 23वें, चलो इसका जवाब दो। आप 5-6 क्वेश्चन बचा है 2.5 मिनट का, क्योंकि हमारी क्लास भी होनी है। 4:05 हो गए, 4:10 से हमारी क्लास चलती है, हम भी अंत करेंगे। नानू काका वाज द ऑपरेटर्स मदर, नैरेटर के मायके, रवि रंजन जवाब दे दिया मायके भाई, भाई माने ब्रदर, बराबर मामू, तो मायके भाई लगेंगे, यानी आंसर सी। यस, नानू काका गए थे टू सी द मिनिस्टर, मिनिस्टर को देखने यानी मिलने, किस ब्लॉक में गए थे? साउथ ब्लॉक, ईस्ट ब्लॉक की नॉर्थ ब्लॉक? इसका जवाब दो मेरे भाई। यस, ठोक देहलस, जवाब सी। ठीक है सिद्धांत, रवि रंजन सब जवाब दे रहा है, लेकिन पिछले का आंसर भी 23 में, हम 24 में आ गए। 24 का नॉर्थ ब्लॉक रवि रंजन दिया है जवाब, 24 का बी नितिन राज भी दिया है, ठीक है गुड। आज टाइम नहीं दिया चूंकि डबल लेसन 60 क्वेश्चन करीब थे हम। 25वां, नानू काका रोट हिज नेम, नानू काका अपना नाम लिखा, एंड द एड्रेस, एड्रेस किसका लिखा? नरेटर का, अपने भगिना का। अगले दिन से 25-30 क्वेश्चन करवाएंगे एक एक लेसन का, ताकि आराम से हो जाए और तैयारी भी हो जाए, ठीक है ना? देखोगे बहुत हो जाता है टाइम, तुम लोग को ज़्यादा लग जाता है, भले सप्ताह में 2 के जगह हम 3 कर देंगे। नानू काका पहने हुए थे ग्रीन रंग का पगड़ी, रेड सिल्क पगड़ी, वाइट पगड़ी कि ब्लू पगड़ी? जल्दी से जवाब दो 26 का, हम 26 में आ गए। 25 नहीं दीपक, बबलू, सब लोग, सिद्धांत, 26 में शुरू हो, 3 ही क्वेश्चन बचा हुआ है। यस रवि रंजन, रेड, गुड, रेड ठीक है, बहुत जवाब रेड आ रहा है, मारना पड़ेगा भाई कुछ लोग। वाइट तो वाइट अंगोछा था, गमछा, और रेड सिल्क पगड़ी था, ठीक ना? और ड्राइवर का ऑरेंज पगड़ी था। नानू काका कमिंग टू दिल्ली, नानू काका दिल्ली आ रहे थे, कौन सी करने के लिए आ रहे थे, है ना? सी द मिनिस्टर, सी सम मिनिस्टर, 2 बार क्वेश्चन ही पूछ चुका है, कभी नानू काका को काट लेता है, कभी मिनिस्टर से मिलने को काट लेता है, लेकिन उसी लाइन से पूछता है, लाइन काट कूट कर पूछेगा लेकिन जवाब वहीं से मिलेगा। आगे, अब कौन आ रहा था नैरेटर के फैमिली से मिलने? चलो, नैरेटर के फैमिली से मिलने कौन आ रहा था? रतिराम के मिनिस्टर की, नानू काका की, सोहन लाल? इसका जवाब दो, एक को दो आदमी जवाब दो। अंकित, बिट्टू, सिद्धांत, दर्शन, सौरभ, मेरा नाम भी लीजिए सौरभ, ले रहे हैं, आज कम नाम ले रहे हैं, कल अगले दिन लेंगे, खूब लेंगे, बढ़िया सब एक एक लेसन करके देंगे 25-30 मिनट का। डबल लेसन डबल काम में थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैं समझता हूँ। ललित ठीक है, नानू काका आ रहे थे दिल्ली नैरेटर के परिवार से मिलने, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका 2 बचा हुआ है, इसको ध्यान में रखना। कौन ट्रेवल फ्री किया था नानू काका के साथ, फ्री में कौन आया था, ट्रेवलिंग किया था, यात्रा किया था, ये जवाब चाहिए, क्योंकि इसके बाद एक ही क्वेश्चन है बस। संध्या डी, वाह, लगता है खा पी कर आया हो, कल बोलना कितना बनाया हो मेरे से, नहीं तो 1 किलो देंगे, क्लास आते हो बढ़िया से बनाओ। हाँ ठीक है डी, रवि रंजन कीटन, बिल्ली के बच्चा, बिलौठा। लास्ट क्वेश्चन यही है आपका, हु सेज या अनाउंसेज, कौन कहता है या घोषणा करता है अबाउट नानू काकाज कमिंग, नानू काका के आने के बारे में कौन घोषणा करता है या करती है? इन चारों में से जवाब रवि रंजन दे दिया। हाँ ठीक है सौरभ, लेकिन पुरनका आंसर हमको नहीं चाहिए। सर क्लास का टाइम कब से है?
क्लास का टाइम 3 है, आज लेट हो गई थी, नेट स्लो था, 3:10, 3:05 में हम आ जाएंगे एकदम। नैरेटर्स मदर, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से ऑब्जेक्टिव होगी, है ना, ऑब्जेक्टिव होगी। करीब इसमें 40 क्वेश्चन होंगे, कभी 30, कभी 35, कभी 40 के लगभग हम कर देंगे, इससे कम टाइम लगेगा, चूँकि डबल था और डॉक्यूमेंटेशन भी दिखाना था। हालांकि जल्दीबाजी में जिनको दिक्कत हुई होगी, कृपया क्लास टाइम आकर के लगवा लेंगे। धन्यवाद, बट हुई समाप्त, कहना चाहेंगे बाय, फिर मिलेंगे। जय समस्तीपुर, जय बिहार।